आशा कार्यकर्ताओं ने सुंबल में अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, वेतन में बढ़ोतरी की मांग की। सोनावारी के विभिन्न क्षेत्रों से आशा कार्यकर्ताओं का एक समूह उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सिंचाई कॉलोनी सुंबल क्षेत्र में इकट्ठा हुआ और अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपने मुद्दे को हल करने और अपने हरूनम और विभिन्न योजना मजदूरी बढ़ाने की मांग की। आशा वर्कर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम 16 साल से आशा के रूप में ड्यूटी दे रहे हैं और पहले 5 साल हमें बिना वेतन के ड्यूटी दी गई थी और तब हमारा वेतन 1000 था और कुछ वर्षों के बाद इसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया था। आशा वर्कर ने यह भी कहा कि हमें इलाकों में बहुत सारे सर्वे करने के लिए कहा जाता है लेकिन फिर भी वेतन उतना ही मिलता है और वह भी समय पर नहीं मिलता है। आशा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और LG प्रशासन से अपील की है कि वे इस मामले पर ध्यान दें और उनका वेतन बढ़ाएं और हमारे मुद्दे को पहले के आधार पर हल करें ताकि भविष्य में हमें और अधिक परेशानी ना हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मतलब हम एज ए आशा काम करते हैं 16 ईयर्स से, तो हमारी सैलरी पहले 5-8 साल तक कुछ थी ही नहीं, उसके बाद उन्होंने 1000 दिया था और उसके बाद कुछ साल के बाद हमें 2000 मिलते हैं। लेकिन अभी ये लोग हमें हर रोज़ सर्वे करवाते हैं, पर डे हमारी सर्वे होती है, कभी गोल्डन कार्ड्स के मुतालिक, कभी इस्लाम कार्ड्स के मुतालिक। अब जब हम इनके किसी के घर जाते हैं तो वो लोग भी हम पे टूट पड़ते हैं कि आप हर रोज़ किस चीज़ की सर्वे करते हैं, और अगर हमें इतना काम दिया जाता है तो उस हिसाब से हमें उतना मुआवजा भी मिलना चाहिए जो कि नहीं मिलता है। इन्होंने हमें बोला है कि अगर आप गोल्डन कार्ड्स सब घरों में देंगे तो उसके हम आपको 3-3 रुपया अदा करेंगे, लेकिन हम के छोटे बच्चे हैं जो हमें 3-3 रुपया दिया जाएगा और हम खुश होंगे, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुई। आप ही हमें बताइए, हम गवर्नर साहब या जो मोदी जी है या हमारे DC साहब OS साहब है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि क्या ये तरीका है कोई कि हमें इतना काम दिया जा रहा है और उसके बरक्स हमारी ना सैलरी कहीं पर है, हमें तो जो लास्ट ये फंड्स मिले हैं जो कि इंसेंटिव हमें दिए जा रहे हैं 2000, वो हमें ईद पे मिले थे, उसके बाद नहीं मिले। लोगों ने वो चीज़ें अभी अदा की है लेकिन ये बोलते हम देंगे, जो 1 अप्रैल है तब से हमने नहीं लिए है, लास्ट ईयर का इन्होंने ख़त्म किया है लेकिन जो नया साल है 1 अप्रैल से जब स्टार्ट होता है तो वो अभी नहीं हमें मिला। हमने जैसे केसेस भी लगभग किसी के 30 है, किसी के 40, किसी के 20, उस हिसाब से जिसने जितने भरे हुए हैं, लेकिन अभी उनके पैसे भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स हम पे टूट पड़ते हैं ना, वो मसला है। हमारी यही डिमांड है कि देखिए अगर आप हमें इतना देखो, जब भी मजदूर कोई काम करने के लिए जाता है वो कमाने के लिए ही जाता है ना, ताकि वो अच्छा कमा सके और फैमिली को मतलब अच्छी सी परवरिश उनको मिले। हम भी अपना काम मतलब ईमानदारी से करते हैं, अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं, जैसा ये बोलते हैं वैसा हम करते हैं, लेकिन हमारी ना सैलरी अभी कहीं है, ना हमारी सैलरी को कोई बढ़ाता ये कर रहे हैं, और जो भी फंड्स हमें मतलब ये 3 रुपये 20 रुपये हमें किस काम का चाहिए, तो शर्म की बात है ना, ये मुझे बहुत अफसोस की बात है, ये चीज़ें सही नहीं है।